नौकरी जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा, कितना संसाधन लाइए, जनसंख्या कम होगा तबे यहाँ बीड़ी बढ़े। सही बात है, आप बताओ क्या कह रहे थे ये लोग कह रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे तो उसमें हमेशा उन्होंने बात किया कि 140 करोड़ हमारे देश के वासी, हमेशा वो बोले हैं कि हमारे देश के 140 करोड़ जनता, कभी उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं माना। लेकिन भारत में दो तरह के लोग हैं जो विकास के दो तरह से देखते हैं, एक जो नरेंद्र मोदी पूरी भारत में पूरा विकास कर रहे हैं, चौमुखी विकास कर रहे हैं जिससे पूरे इंडिया के समर्थक पूरे भारत जनता खुश है, और एक जो विपक्ष के पार्टी है वो अपना सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। विकास मैडम ये बताओ, खड़े हो जाइए, ये दुश्मन ये क्या राजनीति में कोई दुश्मन? हम नौजवान भाई लोग से कहना चाहते हैं, अभी जो आप प्रश्न किए हैं क्या कांग्रेस या राजद के टाइम में हमारे माताएं एवं बहनों बेटी सुरक्षित थे? आप सर नहीं सुरक्षित है। अभी प्रधानमंत्री के बताइए बताइए मौका दीजिए, आइए बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई ये अब ये बोलने का मौका दे तब ना, बोलिए। इन लोग तो जय श्री राम का नारा लगा रहे, तो मैं भी तो जय श्री राम बोल ही सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एबीपी के माध्यम से कि जिस तरह से भारत में अभी ये माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की माहौल आज तक कभी न देखी गई न हुई। और मैं आपके इस गांधी मैदान से ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री अगला बनेंगे। तो परेशान कर रहे, पैसे फ्रीज हो गया, मैं तो बता रहा हूँ, बताओ भाई। सिर्फ मोदी बनेंगे, मोदी मोदी जी ने हर घर में सुविधाएं पहुंचाई है, चाहे वो रसोई गैस के रूप में, विद्युत के रूप में, सड़क के रूप में जो दी है, खाली घोषणा करने से, एक सेकंड, खाली घोषणा करने से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक सेकंड, प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज कांग्रेस के लोग कहीं भी कोई संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? स्टेज पर लग्जरी, लग्जरी गाड़ी पर चलते हैं, क्षेत्र में घूरते नहीं है, तो बिना क्षेत्र में घूरे हुए कोई प्रधानमंत्री बना लेगा? यह घोषणा करने से प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ भाई, स्ट्रगल क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा? राहुल गांधी स्ट्रगल ही नहीं कर रहे। नहीं, राहुल गांधी जो स्ट्रगल किया और जो बता रहे हैं लोगों को, वो पूरा देश देख रही है। संसद बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? एमपी बनने लायक नहीं है, सांसद के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि राहुल गांधी सांसद बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं भी जनता हूँ, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। आराम से एक बताओ, आराम से एक बताओ भाई, मोदी जी का हमको पूछना है, मोदी जी का हमको पूछना है कि 5 किलो अनाज देता है उसको बिल निकाल के दीजिए तो हमको, हम जानते हैं कि मोदी जी का है। देखिए मैं सवाल उठाना चाहते हूँ सारे पार्टी से कि देश में सरकार किसी की भी बने, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, सबकी जरूरत है शिक्षा, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए, यह फ्री होना चाहिए सरकार किसी की बने। ठीक बात है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी आज विकास पुरुष नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हम वो लोग उन्हीं के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बात चल रही है गया संसदीय सीट की, कांग्रेस और देश दोनों पर। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए, बीजेपी भी राज की, कांग्रेस भी राज की, इस बार युवाओं का सोच है नया चेहरा का मौका देने का। एमआईएम का जो प्रत्याशी रंजन पासवान जाए वो 30 साल, सर संघर्ष से बुद्धि होत है, संघर्ष से बुद्धि जात। ये जीतन राम मांझी जहाँ थे वहाँ से यहाँ आ गए हैं, अब ये संघर्ष के दिखाएंगे असर। आज यही गांधी मैदान में पहले कूड़ा फेंकाता था, लैट्रिन रहता था, जहाँ हम लोग दौड़ने नहीं आते थे, जहाँ हम प्रैक्टिस नहीं करते थे, इसने कर दिया। यहाँ सब प्रेम कुमार के, भाजपा की है, भाजपा ने कर दिया। मोदी सरकार नहीं, राहुल गांधी सरकार बनेंगे। जो अपने बाप दादा को नाम ना ले, जो अपने बाप दादा को नाम ना ले, उनको वोट। सर सर हम वोट दे, एक मिनट, जो सर आप राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? सर 40 सीट में है, आपको 9 सीट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे प्रधानमंत्री? बात है, चलो नौजवानों बताओ,
रोजगार कम मिलेगा सर, नौकरी कम मिलेगा। कोई मतलब ये नेता बोलता नहीं है कि मतलब नौकरी के बारे में, धर्म के बारे में हर कोई बोलता है, लेकिन धर्म से पेट नहीं ना चलता है, परिवार नहीं चलता है। यहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, आज़ादी के साथ इतने दिनों के बाद भी आज भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी आ रहे मोदी जी आ रहे, कांग्रेस पहले भी, दोनों को यही हाल है। जो निरंतर जो अवधि है अभी से इतना दिन के बाद, कोई भी जो जो शिक्षा में भी आज देखिए, बताओ ये भाई साहब जो बोले हैं, वैसे साहब के भाई 15 मिनट के लिए, और अनुराग ठाकुर हो और तमाम लोग हो, जेएस वर्मा हो, चाहे प्रज्ञा जो थी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। हमको कहना है सर कि मोदी सरकार जो अग्निवीर योजना लाई है वो 4 साल के लिए योजना है, और हम लोग जनता द्वारा चुने गए, जैसे अभी सांसद आम चुनाव का इलेक्शन होने वाला है उसमें 5 साल के लिए चुनेंगे, और अग्निवीर 4 साल के लिए है जो हमारे देश के सेवा रक्षा करते हैं बॉर्डर पर। चलिए, ये जनता ने अपनी बातों को रखा और आम लोगों से और ऐसी बातें जनता से हम नेताओं से भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, 1 सेकंड में आपको क्यों वोट दे? वोट इसलिए दिया जाए कि हमने यहाँ के युवाओं के लिए लड़ा है, यहाँ के किसानों की लड़ाई लड़े हैं, बिट्ठो बांध के रूप में एयरो स्टील अथॉरिटी कारखाना की लड़ाई लड़ के हम लोग लाए हैं। लेकिन आपको क्यों वोट? 17 साल में बनाम 17 महीना के चलते हमको वोट दे, 17 महीना आपको क्यों? अभी जवाब आपको मिल गई। अभी 3 प्रश्न पर माहौल गर्म हुआ। पहला, ओबैसी की पार्टी और भाजपा, तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जीतन राम मांझी को क्यों दे? जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए साबित किया है। साथ ही हम कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी देशवासी के दिलों में बसते हैं। मांझी जी वोट दे आप। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है, देश का सम्मान बनाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और जनता ने भी सवाल किए। ABP News आपको रखे आगे।